दिल्ली के मोतीनगर इलाके में कुछ दिन पहले एक महिला की कार को तोड़ने और फिर सड़क पर कार को पलटने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक और कांवड़िए को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कांवड़िए का नाम योगेश बताया जा रहा है। पुलिस ने योगेश को जे कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 9 अगस्त को इस मामले में एक और आरोपी कांवड़िए राहुल को उत्तम नगर से गिरफ्तार किया था। बता दें कि जब कांवड़िए कार में तोड़फोड़ कर रहे थे तब वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन कांवड़ियों को रोकने के बजाय वो तमाशा देखती रही। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।